और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये तो फीचर्स अपने आप चलने वाले हैं, तो होता है ना मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है इन फीचर्स से। ऐसा नहीं होगा। अगर ये देखिए, अब मैं ब्रेकिंग नहीं कर रहा हूँ, जस्ट लुक एट दिस, और मेरी गाड़ी अपने आप रुक गई है। सो गाइज, गाड़ी के बारे में बहुत सारी बातें करने के बाद अब हम उसको ड्राइव कर रहे हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी को चलाने का। ब्रेकिंग बहुत एफिशिएंट है, स्टेयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, और जो हॉर्न है, हॉर्न मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि ये ना परेशान नहीं कर रहा। कहते हैं ना, सामने वाले के भी कानों में नाच चुभने वाला, स्पेशियस, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना खुला खुला इंटीरियर लगना, और बड़ा स्पोर्टी है। जैसे ही मैं पेडल पे पैर रखता हूँ वैसे ही मुझको स्पीड महसूस तो होती है मगर जर्क वाली फीलिंग नहीं आती। और अभी मैं चल रहा हूँ 60 समथिंग, और 60 समथिंग पे बिल्कुल मैं इजीली क्रूज़ कर सकता हूँ, राइट। इसी के अंदर जो बाकी जो फंक्शंस है, जैसे विजिबिलिटी एक चीज़ हो गई, तो विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। सेम टाइम पे मैं गाड़ी ड्राइव करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे कि जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे इधर की तरफ 360 कैमरा दिख रहा है कि कब कौन किधर की तरफ जा रहा होता है। तो ये डेली ड्रिविन में व्हीकल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और कहते हैं ना डेली यूजेबल होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मैं इंटेली कंट्रोलर से आवाज़ कम ज़्यादा कर पाऊँगा, सेम टाइम पर एक हाथ से मेरी गाड़ी आराम से चल रही होगी। इसमें ड्राइवर ड्राउजीनेस करके जो फीचर है वो एक बहुत एफिशिएंट फीचर रहेगा मेरे जैसों के लिए, कि अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबा चल रहा हूँ तो वो अपने आप मुझको मैसेज देने लग जाएगा कि मैं बहुत ज़्यादा होता है ना थका हुआ सा फील कर रहा हूँ। ऑल दो इसके लिए इंटरनल पूरा का पूरा एल्गोरिथम होगा कि आप कितना इनपुट दे रहे हो स्टेयरिंग पे, किस तरीके से आप ब्रेकिंग कर रहे हो, स्विचेस यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उन सारी चीज़ों से। इसका जो पावरफुल इंजन है वो आपको हर जगह कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दे रहा है कि जैसे आपने प्रेस करा तो जस्ट इमेजिन करो कि विद अ वन पुश बिल्कुल लैग नहीं है गेयर बॉक्स के अंदर और मैं 100 चल रहा हूँ। सो दिस इज़ द फन। और ब्रेकिंग अच्छी है तो जितना पावर आप चला रहे हो उसको आप कंट्रोल भी कर रहे। तो अब मैं देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर, कि मैंने इंडिकेटर दिया और इंडिकेटर देते ही मुझे ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग हो गई। तो अगर मैं इस लेन में आना चाहता हूँ सो मुझे पीछे का सब कुछ दिख रहा होगा, तो यू नो क्रैश होने के चांसेस मेरे और कम हो जाएंगे। गाड़ी जितनी बाहर से बड़ी दिखती है उतनी चलने में बड़ा होने वाला ऐसा फीलिंग नहीं है इसका। ऐसे बड़ी निम्बल कहते हैं ना इजी टू ड्राइव वाला सा व्हीकल है। और वैसे भी अभी सेगमेंट में कंपटीशन तो बहुत सारी गाड़ियों का है, पर वो जितनी भी गाड़ियां हैं ना उसमें सारी की सारी चीज़ें एक ही गाड़ी में हमको अवेलेबल नहीं हो रही। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे ये सर्किल हम क्रॉस करते हैं वैसे ही मैं इसमें क्रूज़ कंट्रोल स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली क्रूज़ कंट्रोल 30 से ऊपर मेरा स्टार्ट हो जाएगा। सो 30 से मैं ऊपर गया और मैंने क्रूज़ कंट्रोल स्टार्ट कर दिया इसका। अब मैंने इस कंट्रोल को सेट कर देता हूँ मैं, जस्ट वेट, आगे की तरफ जो गाड़ी जा रही है उसके हिसाब से मैंने रेफरेंस से इसको सेट कर दिया। अभी मैं चल रहा हूँ 52 55। ओके, भारत सरकार वाली गाड़ी को रेफरेंस मान लेते हैं जस्ट फॉर वंस। और अब आप देखिए कि उस गाड़ी के हिसाब से अपने आप मेरी स्पीड कंट्रोल हो रही है। जो लेन है मेरी गाड़ी लेन में चल रही है और लेन से बाहर नहीं जा रही है। तो ऑल दो मुझे स्टेयरिंग छोड़ना नहीं है मगर यू कैन इमेजिन ना कि उस गाड़ी के रेफरेंस से मेरी स्पीड कंट्रोल हो रही है, कम ज़्यादा नहीं हो रही। तो दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर टू हैव। और उसी के साथ में जैसे अभी लेन बंद हो गई, सिर्फ एक तरफ की लाइन है, तो अब लेन असिस्टेंस काम नहीं कर रहा। तो सामने की तरफ ये वाली जो जगह है यहाँ ग्रीन लाइन राइट हैंड साइड आ रही है मगर लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ रही। साथ ही के अंदर इसके अंदर जो भी ट्रैफिक सिग्नल रिकॉग्नाइजेशन है वो भी काम करता है तो मुझे वो सिग्नल्स बता रहा होगा। अब देखिए जैसे गाड़ी चेंज हुई और अब मैं चला रहा हूँ, देखिए मैंने स्विफ्ट को रेफरेंस माना और अब मेरी गाड़ी अब तेज़ नहीं जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको तेज़ चलाने की एंड यू कैन सी मेरी गाड़ी अपने आप ब्रेक हो रही है। सो दिस इज़ द फन ऑफ XUV700। गाड़ी चेंज हो गई, अब इस गाड़ी के रेफरेंस में मानकर मेरी गाड़ी से अपनी एक दूरी बना के चल रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब वो गाड़ी दूर गई तो अपने आप मेरा क्रूज़ कंट्रोल की जो स्पीड थी उस हिसाब से अपने आप चेंज हो गई। मतलब आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, ये अपने आप काम कर रही है।
सो ये आप समझ रहे हैं ना, ये बहुत बेसिक है कई लोगों के लिए, मगर ये बहुत इफेक्टिव है अगर आप डेली ड्राइव करते हैं कंफर्ट के लिए। अब जैसे दोनों तरफ लेन आई तो इसने अपने आप लेन देखने लग गया, और आप देखा आपने कि अपने आप ब्रेकिंग, अब मैं इस गाड़ी को रेफरेंस मान के। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये तो फीचर्स अपने आप चलने वाले हैं, तो होता है ना मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है इन फीचर्स से। ऐसा नहीं होगा। अगर ये देखिए, अब मैं ब्रेकिंग नहीं कर रहा हूँ, जस्ट लुक एट दिस, और मेरी गाड़ी अपने आप रुक गई है। सो दिस इज़ द फन। ठीक है, मैं उसको कर रहा क्रूज कंट्रोल ऑफ, और अब मैं मैनुअली इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जितने भी इसके फीचर्स हैं, ये फीचर्स एक बार अगर हमने काम में लेना स्टार्ट कर दिए तो उसके बाद में हमारा जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो बहुत अमेजिंग हो जाएगा। सो गाइस, आई गेस अब आप लोगों को भी ये सारी की सारी चीज़ें फील करने का मन कर रहा होगा, पर उसके लिए आपको दो काम करने हैं। पहला काम, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब करना जरूरी है, हम जो मेहनत कर रहे हैं हमें पता कैसे चलेगा कि आप लोग उसको देख रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। सेम टाइम पे जयपुर में ऑटो वर्ल्ड महिंद्रा प्रताप नगर में हमारा शोरूम है, आप आइए, गाड़ी को एक्सपीरियंस कीजिए। आई एम प्रिटी श्योर कि आपको इससे प्यार हो जाएगा, और सेम टाइम पे आप अपने लव्ड वंस को एक ऐसी सेफ गाड़ी में चला रहे होंगे जिससे कि आप सब लोगों की ज़िंदगी और ज़्यादा कम्फर्टेबल हो। सेम टाइम पर अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड, महिंद्रा के किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड, थार से रिलेटेड कभी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9782812357। सो गाइज, मैं वेट करूँगा आपके फ़ोन का। अगर आप मुझे कॉल करेंगे, मुझसे कोई भी क्वेरी पूछेंगे, तो आई ट्राई टू हेल्प यू आउट।